फ्रेंड्स, वेलकम टू टुडे टॉक चैनल में। आज हम एनालाइज करने वाले हैं कल के लिए, मंडे के लिए, निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी की। हम डे की कैंडल देखते हैं। इस 7-8 दिन से ये रेंज में थी, इसका ब्रेकआउट दिया, अच्छी कैंडल बनाई है ऐसे। और जैसे अपसाइड के लिए गाइज, यहाँ पे गैप पेंडिंग है इसका, कि हो सकता है कि गैप को हील करें। तो हम इंटर डे के लिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। तो हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस देखते हैं, लेवल देखते हैं इसके। इसकी क्लोजिंग आई है निफ्टी 50 की 24,539 पे इसकी क्लोजिंग आई है। इसका रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है 24,555 का, जो यहाँ पे लेवल है, ये लेवल है जो इसका रेजिस्टेंस है गाइज। इसका कलर चेंज कर देते हैं। और सपोर्ट आ रहा है इसका 24,477 का, जो लेवल है यहाँ पे, ये इसका सपोर्ट का काम करेगा गाइज। ये सपोर्ट है इसका। जैसे ये लेवल को निकाले, रेजिस्टेंस को निकाले, यहाँ पे ब्रेकआउट दे, रिटेस्ट करे, और कोई बुलिश प्रोजेक्शन बनने के बाद हमारा पहला लेवल निकल के आ रहा है 24,677 का, जो लेवल है यहाँ पे गाइज, ये वाला लेवल। कलर चेंज कर देते हैं, अपसाइड के लिए ग्रीन कर देते हैं। ये लेवल को भी निकालेगा तो हमारा सेकंड लेवल निकल के आ रहा है 24,822 का, जो लेवल है यहाँ पे, ये अगला हमारा टारगेट रहेगा। थर्ड हमारा रहेगा 24,966 का, जो लेवल है ये वाला, हमारा अपसाइड के लेवल निकल के आएंगे। कि गाइज यहाँ पे देखो, ये गैप भी अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो हो सकता है कि वापस से रिकवरी करे मार्केट। और डाउन साइड के लिए हम देखें तो डाउन साइड के लिए ये स्विंग को तोड़े, यहाँ पे ब्रेक डाउन करे, रिटेस्ट करे और बेरिश कैंडल बनाई, अच्छा सा कोई प्रोजेक्शन बनाए, तो हमारा डाउन साइड के लेवल रहेंगे 24,399 का, जो हमारा ये लेवल है, ये हमारा पहला टारगेट रहेगा। सेकंड हमारा रहेगा 24,333 का, जो लेवल है ये वाला लेवल, ये हमारा सेकंड रहेगा। थर्ड हमारा रहेगा जो 24,222 का, जो लेवल है ये जगह, ये वाला लेवल। ये लेवल हमारे रहेंगे निफ्टी 50 के। हमने लेवल बता दिए ब्रेकआउट ब्रेक डाउन के बाद, प्राइस एक्शन के बाद। गाइस जैसे ज़्यादा गैप अप डाउन हो जाए तो आपको पैसेंस से मार्केट में बैठा रहना है, जल्दीबाजी नहीं करनी, हमको प्राइस एक्शन का वेट करना है। हमारा सेटअप बनेगा तभी हम एंट्री करेंगे, अंत हम बैठे रहेंगे। मैं गाइज यहाँ पे कॉल पुट लेने की सलाह नहीं देती, मैं सिर्फ आपको प्राइस एक्शन सिखाती हूँ। यह हमारे बैंक निफ्टी का चार्ट है। डे के हिसाब से कैंडल देखते हैं, एक बार इसकी वीकली देख लेते हैं। वीकली में कैंडल ऐसी ही बनी है इसकी। ये इनवाइटेड हैमर जैसी कैंडल बनाई है यहाँ पे। डे के हिसाब से देखे तो ऐसे अच्छी बुलिश कैंडल बनी है, तो इसका भी अभी गैप पेंडिंग है अपसाइड के लिए। तो हमारे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्या लेवल निकल के आएंगे इसके, देख लेते हैं एक बार। 50,588
यहाँ पे ये जो लेवल है 588 का, जो हमारा रेजिस्टेंस का काम कर रहा है गाइज, ब्लैक कर देते हैं इसको, रेजिस्टेंस को। सपोर्ट हमारा है 50,466 वाला जो एरिया है यहाँ पे, ये वाला एरिया थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसको। ये स्विंग रख लो, इसको स्विंग नीचे को रख लेते हैं। इसको 444 वाला जो लेवल है ये वाला, पचास हज़ार 444 का ये सपोर्ट रेजिस्टेंस है इसके। तो गाइज अब साइड के लिए ये रेजिस्टेंस को तोड़ेगा, रहे हैं रिटेस्ट करने के बाद, बुलिश प्राइजेक्शन बनने के बाद हमारा अगला लेवल निकल के आ रहा है 50,688 का, ये वाला लेवल। ग्रीन कर देते हैं अब साइड को ताकि आपको समझने में आसानी रहे। सेकंड हमारा 50,800 का लेवल, ये इसको राउंड नंबर भी बोल देते हैं, साइकोलॉजिकल नंबर भी बोल सकते हैं आप लोग। फिर हमारा थर्ड आएगा नौ सौ का लेवल, 50,900 का जो लेवल है हमारा, ये लेवल गाइज, ये अप साइड के हमारे लेवल हो गए। डाउन साइड के लिए हम देखें तो इसका ब्रेक डाउन दे, यहाँ पे रिटेस्ट होने के बाद, वो बेरिश कैंडल के बाद हमारे अगले टारगेट रहेंगे डाउन साइड के लिए 50,250 का जो ये लेवल है। ये लेवल हम डाउन साइड के लिए रेड कर देते हैं गाइज, ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। सेकंड हमारा है 50,000 जो ये 99 का लेवल है ये वाला, ये हमारा सेकंड टारगेट रहेगा। थर्ड हमारा रहेगा 49,800 का जो लेवल है, उसको साइकोलॉजिकल नंबर भी बोल सकते हैं, नहीं तो गई जी इसको ये लेवल रख लेते हैं अपन। उनचास हजार 866 वाला लेवल को रख लेते हैं डाउन साइड के लिए। ये हमारे डाउन साइड के लेवल हो गए, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। हम जो भी आपको हम एनालाइज करवाते हैं डे के हिसाब से, तो गाइज उसमें क्या होता है कि हमारा व्यू रहता है कि प्राइजेक्शन बनने के बाद ही हमारा सेटअप काम करता है। प्राइजेक्शन नहीं बनेगा तो हमारा सेटअप काम नहीं करेगा। तो आपको भी आपका खुद का सेटअप बनाओ एक, कि कैसे कैसे मार्केट में साइकोलॉजी काम करती है। तो जैसे आपको साइकोलॉजी अच्छी करनी है तो जैसे हम लाइव भी आते हैं वहाँ पे भी हम आपको प्राइजेक्शन सिखाते हैं। ये एजुकेशन पर्पज़ से मैंने वीडियो बनाया है। तो गाइज आपको पसंद आए हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, आपके दोस्तों के साथ शेयर कर देना।